नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम। आगामी माह में होने वाले मनपा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हैं। अपने अपने क्षेत्र में छोटे मोटे नेताओं की होल्डिंग लगी नजर आ रही है। इसमें कुछ नेता ऐसे हैं जिनका भविष्य ओबीसी आरक्षण पर टिका है, तो कुछ लोग आरक्षण के फैसले की राह देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला ओबीसी के पक्ष में आता है तो कई बदलाव होंगे, कई नेताओं के चेहरों पे खुशी साफ देखी जा सकती है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर यदि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सकारात्मकता आदेश जारी हुए तो प्रभाग रचना के बाद होने वाली आरक्षण की लॉटरी में ओबीसी का भी आरक्षण निश्चित किया जाएगा। आरक्षण से प्रभागों के समीकरण बदलने से उनकी आशाओं पर पानी फिर सकता है। यही कारण है कि अब राजनीतिक दलों की नजरें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर लगी हुई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अनुसार हाल ही में 3 सदस्यीय प्रभाग रचना घोषित की गई। 156 सदस्यों की महानगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को तय किया गया, किंतु ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिका है। जानकारी के अनुसार राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 156 सीटों में से 31 अनुसूचित जाति और 12 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करना है। यदि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो 113 सीटों में से 42 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए रखनी होंगी। जानकारों के अनुसार नई प्रभाग रचना के कारण कई वरिष्ठ पार्षदों के पुराने प्रभाग टुकड़ों में बढ़ गए हैं। आरक्षण नहीं होने से फिलहाल पदाधिकारी आसपास के प्रभागों से अपनी सीट पक्की कराने की फिराक में है, लेकिन ओबीसी आरक्षण निश्चित हुआ तो कई पदाधिकारियों को चुनाव में टिकट नहीं मिलने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम।